अब मोदी चाहेंगे तो सब कुछ होगा, अब मोदी नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मोदी चाहेंगे कोरोना होगा तो कोरोना होगा, मोदी चाहेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ लॉकडाउन के अंदर इंसान मर रहा है और यहाँ साल 5 करोड़ 15 का मिल रहा है। तो नोटबंदी लगा दिए, उसके अतिरिक्त GST लगा दिए, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिए, सब लगा NRC लगा दिए, 370 लगा दिए, इंसान उलझा हुआ है, उसी परेशान में उलझा हो तो क्या तरक्की होगी इंडिया की? आपको क्या लगता है, योगी सरकार दोबारा आ रही है या फिर नहीं? राजनीति का भरोसा थोड़ी है, कल इलेक्शन है और रात में किडनैपिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई मालूम थोड़ी है, रात में कोई देख रहा है। और रही बात सरकार बनाने की, वो मोदी के हाथ में, इंडिया स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? वो खाली स्टेट का कानून बना सकता है, मगर इंडिया का कानून बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है, जो मोदी है। अब मोदी चाहेंगे तो सब कुछ होगा, अब मोदी नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मोदी चाहेंगे कोरोना होगा तो कोरोना होगा, मोदी चाहेंगे नहीं होगा तो नहीं होगा। सही बात ये है, मतलब सारे इल्जाम को आप मोदी के ऊपर डाल रहे हैं। डालेंगे ना भाई, क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री है ना, हम काहे को योगी को बोले, काहे ओबीसी को बोले, काहे इनको बोले, हम तो इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनके हाथ में सब मिनिस्टर है, उनको ही बोलेंगे ना, हेड को बोलेंगे ना, हम योगी को क्यों बोले भाई? वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर 20 बार जो विधानसभा का चुनाव है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही चुनाव है, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, योगी की सरकार वापस आएगी या फिर ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वापस? आप अपनी कम्युनिटी का बताइए। हाँ, मैं तो बोलता हूँ मैं राजनीति में हूँ नहीं, बस इतना पता है पॉलिटिक्स कभी भी पलट जाती है, चाहे वो कोई भी हो, इतना है कि पॉलिटिक्स कभी भी पलट सकती है, कोई भी सरकार कभी भी आ सकती है। माइनॉरिटी के लिए योगी सरकार ने क्या कुछ किया है, ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी के लिए उन्होंने कुछ काम किया है? अभी यही लाइट की मार के खाली कलर कर दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं? रोजगार दिया या फिर शिक्षा व्यवस्था के मुसलमानों के लिए? रोजगार, यहाँ महंगाई बढ़ गई है, यहाँ लॉकडाउन के अंदर इंसान मर रहा है और यहाँ साल 5 करोड़ 15 का मिल रहा है, और उससे वजह क्या बताऊँ और क्या बताएं, 5 रुपये 15 का हो गया है। लेकिन योगी सरकार तो कह रहे हैं, खासकर आप मोदी जी भी कह रहे हैं कि यूपी में सस्ता मिल रहा है पेट्रोल बाकी राज्यों से। अरे मेरी बात सुनो, तुरंत नोटबंदी लगा दिए, उसके बाद तुरंत GST लगा दिए, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिए, सब लगा NRC लगा दिए, 370 लगा दिए, इंसान उलझा हुआ है, उसी परेशान में उलझा हो तो क्या तरक्की होगी इंडिया की? इंडिया बहुत पीछे हो गई है, आई वर्ल्ड में मैगजीन में छप चुका है, आपको पता होना चाहिए, आप मैगजीन खोले और देखें उसमें, इंडिया 10 साल पीछे हो गई है। किसके वजह से पीछे हुई है, कौन किया पीछे? जो इंडिया का है, जो मेन बना है उसको, वही किया पीछे। वो चाहते तो सब सस्ता होता, महंगा भी होता, उनके ऊपर है सस्ता करना महंगा करना। और ये है कि BJP सरकार के अंदर कानून स्ट्रिक हो जाता है। तो अगले चुनाव में क्या जो यूपी का माइनॉरिटी तबका है वो देखता है यूपी सरकार को वापस सत्ता में? जब तक EVM नहीं आएगी तब तक जीतते रहेंगे, जब तक स्टम लगेगा तभी जीतेंगे, और मशीन होगी तो जीत नहीं पाएंगे, इतना पक्का है। मतलब EVM भी एक मुद्दा होगा इस बार? है ना भाई, स्टम लगना ही चाहिए भाई, स्टम लगना ही चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग तो खुलेआम कहता है कि आप EVM को कोई हैक नहीं कर सकता। चुनाव आयोग तो खुलेआम कहता है कि EVM को कोई हैक नहीं कर अरे सकता। बोलने तो हम भी बोल लेंगे, कुछ भी बोल लेंगे, कल हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बन जाएंगे। तो 2017 के बाद जो जो वादे किए थे योगी सरकार ने, क्या लगता है कि उन वादों को योगी सरकार अब तक पूरा कर पाई है? पूरा कर भी रही है योगी सरकार, में पूरा लाइट मिल रही है आपको, रोड खर्च नहीं है, चले जाइए देवरिया से कहीं पूरे पूर्वांचल में, और यहाँ की रोड आपको मिलेगी, अच्छी मिलेगी, 24 घंटा लाइट मिल रही है, उससे बेटर क्या आपको चाहिए? मुसलमान योगी सरकार से बिना कोई सरकार ही नहीं आज तक दिया है। कोरोना में जिस तरह से योगी सरकार ने हैंडल किया, गंगा में और तमाम वो नदियाँ थी जहाँ पे लाशें हैं, वो फोटोज आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर। वो तो बीमारी है, बीमारी से लोग मरे हैं, आदमी का क्या, दूसरी भी उठा देगा, वो पॉलिटिक्स लाइन है जो भी है, लेकिन जो है जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ही जानता हूँ। इतने लोगों की मौत हो गई, नौकरियाँ चली गई, जो कि सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं भी नहीं दी गई, इसमें अच्छा क्या? धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा ना, जैसे जैसे बीमारी बढ़ी वैसे वैसे मतलब सबका कारोबार पीछे हुआ, धीरे टाइम लगेगा, धीरे फिर सब लाइन पे आ जाएगा, सब धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है सही, बस टाइम लगता है हर चीज़ में। पहली लहर के बाद जो उम्मीद की जा रही थी एक योगी सरकार से कि दूसरी लहर में यह तैयारियां होनी चाहिए, तमाम लोगों की तरफ से बातें भी कही गई थी योगी सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें देखने को मिली दूसरी लहर में, क्या वो फेलियर नहीं है योगी सरकार का? योगी सरकार जो अपना जितना करना है वो अपना काम कर रही है,
लेकिन जनता भी साथ में सपोर्ट करेगी तभी ना कुछ काम बनेगा। अब काली बोलो उल्टा सीधा बस नारा लगाने थोड़ा कुछ होता है।